नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के जौनपुर से, जहां मल्हनी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने आखिरकार समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ा ही दी, या यूं कहें कि उन्होंने जीत दर्ज की है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह को करीब 4400 वोटों से शिकस्त दी। यहां से 16 उम्मीदवारों ने दांव लगाया था। वहीं भाजपा के मनोज सिंह, बसपा के जयप्रकाश दुबे और कांग्रेस के राकेश मिश्रा इस सीट पर उम्मीदवार थे। सपा सरकार में कैबिनेट रहे पूर्व विधायक पारसनाथ यादव के बेटे हैं लकी यादव। लकी यादव पहले भी सपा से वर्ष 2007 में जौनपुर जिले की ही मड़ियाहू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार श्रद्धा यादव ने हरा दिया था। अभी वह सपा ने एक नेता के तौर पर जाने जाते थे। लकी के पिता पारसनाथ यादव सपा के संस्थापक सदस्य भी थे। वह जौनपुर लोकसभा से 2 बार सपा से ही सांसद भी बने। वर्ष 2012 से अस्तित्व में आई मल्हनी विधानसभा सीट पर अब तक सपा का कब्जा रहा। वर्ष 2012 के पहले चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव निर्वाचित हुए। उन्हें वर्ष 2017 में भी बड़े अंतर से जीत मिली। जून 2020 में निधन के बाद खाली हुई मल्हनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुत्र लकी यादव पर दांव लगाया था। अब सपा ने इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा दी है। मल्हनी ने पहले रारी के नाम से इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक कोई भी दल हैट्रिक नहीं लगा पाया है। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी है मल्हनी में, लकी यादव उस पर सवार है। सभी प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी की साइकिल 4400 वोटों से जीत गई है। आप देख रहे हैं जौनपुर ब्यूरो की रिपोर्ट।